नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब जब योगी डरता है, पुलिस को आगे करता है। उत्तर प्रदेश सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उत्तर प्रदेश सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बहुत सी चीजें प्रतिपूर्ति करनी होती हैं, जैसे कि परीक्षाओं के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, पेपर बनेगा, विद्यालय और कॉलेज सेट होंगे, ये असंभव है, लेकिन फिर भी अगर सरकार चाहती है तो एक महीने में कराए और इन सभी छात्रों का समावेश करने का निर्धारित करे। और पीछे और मेरा थोड़ा क्या है। क्या कहेंगे? इनका झूठ का पुलिंदा है इस सरकार का। इस झूठ बोलने के आदि हो गए हैं। एक बात को 100 बार ये झूठ बोलते हैं, उसको सही साबित करने की कोशिश करते हैं। पिटेट की जांच करो, जांच करो, जांच करो। अगले चंदो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अगले चंदो जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अगले चंदो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे छत प्रोत्साहन ये सरकार में है, वो सरकार बदलनी है। उत्तर प्रदेश सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे छत सरकार निकम्मी है। ये तमाम अपने प्रदेश के देश के छात्रों ने यूपी टेट की परीक्षा दी थी, जिसमें ये कितनी उन लोगों के किराए खर्चे क्या क्या ना लगे होंगे। गरीब भी हैं, साधारण व्यक्ति भी हैं, और वो परीक्षाएं कैंसिल कर दी गई और इसमें घफलेबाजी है सरकार की। जबकि हमने सुना है आज कि ये लोग दोबारा उनका खर्चा भी दे रहे हैं, कर रहे हैं, तो उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं कि ये जो धांधली हुई है, इस धांधली को सही करें और उनका बच्चों का खर्चा मिले, उनके समय का हर्जाना मिले, पुनः परीक्षा अविलंब कराई जाए। आज जैसा कि कल आप सबको अवगत है कि टीईटी की परीक्षा हुई थी और वो पेपर उसका टीईटी का लीक हो गया। सही बात यह है कि सरकार किसी को नौकरी देना ही नहीं चाहती, इसलिए ये पर्चा लीक हुआ है और आगे आने वाले समय में पुनः परीक्षा कराने का जो आश्वासन दे रहे हैं, उनका खर्चा देने का आश्वासन दे रहे हैं, उसमें यह है कि आगे आने वाले समय में जल्दी आचार संहिता लग जाएगी और ये किसी को नौकरी न देनी पड़े, इसलिए पर्चा लिख हुआ है और ये परीक्षा टाली गई है।